तीर्थनगरी ऋषिकेश में अध्यात्म के नाम पर ठगी करने वाले हाई प्रोफाइल अनिमेश बाबा के कई रसूखदारों के साथ ही उनके संबंधी बताए जा रहे हैं। ठगी में माहिर गुरु घंटाल अनिमेश बाबा के केंद्र से लेकर राज्य के कई नेताओं से सीधे संबंध हैं। अनिमेश बाबा के खिलाफ अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग के कई मामले दर्ज हैं। बाबा का आपराधिक रिकॉर्ड पुराना है। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक बाबा के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में कई अवैध ठिकाने हैं। इतना ही नहीं, सोने के आभूषणों से लदा रहने वाला बाबा अनिमेश के खिलाफ हरियाणा में कई थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। बाबा ने फिलहाल अपना ठिकाना ऋषिकेश में बनाया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि प्रियव्रत अनिमेश उर्फ रॉबिन के संबंध भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम नौकरशाहों के साथ बहुत अच्छे बताए जाते हैं। शायद यही कारण है कि बाबा जहां भी जाता है उसका वहां जोरदार स्वागत किया जाता है। तो तीन तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां सीएम से पुस्तक विमोचन कराया है, विधानसभा में एंट्री की ये तस्वीर और डीजीपी को टीका लगाते हुए तीन तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कहां कहां पर संबंध रहे हैं हमेशा से ही अनिमेश के। अब ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि ठग बाबा प्रियव्रत अनिमेश का माया जाल। फिलहाल बाबा अनिमेश का ठिकाना ऋषिकेश में है, तो ऋषिकेश में ये फिलहाल ठिकाना है। बाबा प्रियव्रत अनिमेश के देश भर के कई नेताओं से अच्छे संबंध हैं। कुछ देर पहले तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे, कई राज्यों के बड़े नौकरशाहों से अनिमेश का सीधा संपर्क है, बातचीत है। उत्तराखंड के कई अफसरों के साथ भी बाबा के हैं मधुर संबंध, यानी कि कई बड़े अफसरों से बातचीत है। ठगी में माहिर है बाबा प्रियव्रत अनिमेश। ठगी करता है यह बाबा। अनिमेश पर अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग के कई सारे मामले दर्ज हैं। तो कई मामले दर्ज हैं ठगी के। बाबा का आपराधिक रिकॉर्ड बहुत पुराना है, लंबे समय से करता आ रहा है ये। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में कई अवैध ठिकाने भी हैं जहां से भरपूर रहा है ये कारोबार। सोने के आभूषणों से लदा रहता है बाबा अनिमेश। हरियाणा में कई थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं। बाबा जहां भी जाता है उसका वहां जोरदार स्वागत होता है। सुदीप जैन विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी मिल रही है इस बाबा को लेकर? फिलहाल क्या ताजा कार्रवाई की गई है? तो सुदीप से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक के बाद एक आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर कौन है बाबा प्रियव्रत अनिमेश। हरिद्वार कुंभ में जूना अखाड़ा के साथ गंगा स्नान भी किया था इस बाबा अनिमेश ने। आजाद नगर पानीपत हरियाणा का रहने वाला है बाबा अनिमेश। फिलहाल बाबा अनिमेश का ठिकाना ऋषिकेश में है। कई बड़े नेताओं से इसका संपर्क भी है। गढ़वाल ज्वेलर्स के मालिक हितेंद्र पवार ने पुलिस में शिकायत की, कैसे पकड़ा गया आखिर ठग बाबा, ये हम आपको बता रहे हैं। 2019 में हितेंद्र पवार की पत्नी बाबा अनिमेश के संपर्क में आई और हितेंद्र पवार की पत्नी को मानसिक रूप से इसने बीमार कर दिया, हिप्नोटाइज कर लिया और मानसिक रूप से बीमार कर दिया। बाबा अनिमेश ने हितेंद्र की पत्नी को अलग अलग तारीख में दवा दी है, तो दवाइयां दी गई हैं। बाबा ने हितेंद्र की पत्नी को सम्मोहित कर ज्वेलरी ठग ली, तो ज्वेलरी ठगने का भी मामला है। सोने का ब्रेसलेट, सोने की माला, ये तमाम चीजें ले ली गई। दुकान पर सामान का मिलान करने पर मामला खुला है। सुदीप जैन विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी मिल रही है इस बाबा को लेकर? कैसे पकड़ा गया है? क्या कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था ऋषिकेश। वहां से किया गया, इसके पत्ते बरामद किए। जब पुलिस ने इसकी तफसील से इसकी जांच शुरू की, पर्चे खुलने शुरू हुई, चौंकाने वाली, ये बड़ा हाई प्रोफाइल बाबा है जो बहुत बड़े नेताओं, अफसरों, ब्यूरोक्रेट्स के संपर्क में रहता है और उसने अन्य
प्रताप की ठगी कर रखी है। अब एक महिला इसमें सत्तर का भी नाम सामने आ रहा है कि उसके माध्यम से किस तरह के भी लोगों को फंसते थे। तो बहरहाल पुलिस और इस मामले की जांच कर रही है। वहीं बीसीसी का जो फोटो वार्ता हुआ है जो बाबा दिलीप के पास मौजूद है, तो इस पर पुलिस प्रवक्ता अमित सिन्हा ने कहा है कि वो मामले करा रखे हैं। हालांकि बीसीसी नौकरशाह है, उसके कोई भी व्यक्ति है अपनी समस्या को लेकर, उसका बैकग्राउंड क्या है। सुदीप, इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ठगी करता था ये बाबा, सोने की चेन हो, ब्रेसलेट हो, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों की ठगी करता था। कैसे प्लान बनाता था, क्या कैसे लोगों को सम्मोहित करता था, क्या जानकारी मिल रही है? तो सुदीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं, कई बड़े नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ बाबा की ये तस्वीर है। लेकिन फिलहाल कैसे पकड़ा गया ये भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे थे। तो प्रियव्रत निमेश नाम का ये बाबा है, पुलिस के आगे नहीं चला वशीकरण मंत्र। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो मैं कहूंगा कि शिकायत होते ही मुकदमा दर्ज हो गया, कार्रवाई हो गई, उस पर अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। बाकी उसने उस गिरफ्तारी से पहले कहाँ गया, किससे मिला, नहीं मिला, क्या कारण था, वो सब अन्य बिंदु हैं, उसमें कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं किया सकती। हाँ, जहाँ तक ये सवाल है, जब तक कि अभियुक्त है, अभियुक्त होने के बाद भी वो मिल सकता है कहीं किसी से अपनी समस्याओं को लेकर, तो मिलना मेरे ख्याल से बहुत बड़े कोई गंभीर बिंदु नहीं है। तो ठग बाबा अनिमेश की बीजापुर गेस्ट हाउस में कैसे एंट्री हुई ये भी बताते हैं। किसने बनाई पुस्तक के उद्घाटन की योजना, जांच के आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय से, जांच के आदेश दिए गए सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। एसीएस आनंद वर्धन है बेहद नाराज, तो सीएम कार्यालय से जांच के आदेश दिए गए हैं। एसीएस आनंद ने जांच के आदेश दिए हैं। ठग बाबा अनिमेश की एंट्री कैसे हुई गेस्ट हाउस में, किसने कराई, कैसे एंट्री ली, ये बड़ा सवाल है। तो वही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीएम ने कांवड़ यात्रा को लेकर बातचीत की है। कांवड़ यात्रा सिर्फ उत्तराखंड राज्य का विषय नहीं, पड़ोसी राज्यों से भी जुड़ा है कांवड़ का विषय। सीएम का कहना है कि किसी की जान जाने से ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। तो कांवड़ यात्रा को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सिर्फ उत्तराखंड का विषय नहीं है बल्कि आसपास के राज्यों का भी विषय है, लेकिन अगर किसी की जान जाएगी तो ये चीज ईश्वर को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने बयान दिया है। पड़ोसी राज्यों से भी जुड़ा है कांवड़ का विषय, ये सीएम ने कहा है कि किसी की जान जाने से ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं बाकी के राज्यों का भी विषय है। देखिए, कांवड़ केवल उत्तराखंड का विषय नहीं है, कांवड़ में हमारे उत्तर प्रदेश भी है, हमारा हरियाणा भी है, दिल्ली भी है, तो उत्तराखंड केवल एक होस्ट स्टेट है, उसमें होस्ट की भूमिका में है। और कांवड़ कोई ये 10-20 लाखों लोगों का विषय नहीं है, यात्रा हमारी श्रद्धा और आस्था से जुड़ी हुई विषय है। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोरोना न बढ़े, ऐसा ना हो कि कोरोना के कारण से लोगों की जान माल को खतरा हो। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों की जान माल सुरक्षित रहे, और आस्था और श्रद्धा के विषय में भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा कि किसी की जान जाएगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य में मुफ्त बिजली को लेकर चुप्पी साधी है। प्रदेशवासियों को सस्ती बिजली दे रहे हैं, सीएम का यह कहना है सरकार जनहित में हुए फैसलों पर काम करेगी। तो पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिजली को लेकर क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। देखिए, हमारी जो सरकार है अभी चल रही है वो सबको अच्छी बिजली दे रही है, 24 घंटे बिजली दे रही है और सस्ती बिजली दे रही है, और उत्तराखंड के हित में जो आगे होगा वो भी हम करेंगे।
देखिए हमारी जो सरकार है अभी चल रही है वो सबको अच्छी बिजली दे रही है, 24 घंटे बिजली दे रही है और सस्ती बिजली दे रही है, और उत्तराखंड के हित में जो आगे होगा वो भी हम करेंगे। और जिस तरीके से आपने सुना क्या कुछ कहना था पुष्कर सिंह धामी का, उन्होंने बिजली को लेकर कहा कि फिलहाल बिजली सस्ती है उत्तराखंड में और आगे इस पर विचार किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।